सो गाइज आज है 26 जनवरी सो हैप्पी रिपब्लिक डे मेरा देश महान आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन हेलो एवरीवन तो तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक बहुत लंबे राइड पे जाने वाले हैं तो मे बी आज ही हम लोग निकल जाए हम लोग निकल रात को प्लानिंग करी के निकल जाते हैं यार वैसे भी हो सकता है लॉकडाउन ये सब लग जाए तो डेट्स वाई हम लोग आज ही निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हुआ तो हम लोग 12 बजे तक निकल जाएंगे तो जैसा भी हो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज मैं हो गया पूरा रेडी और अब निकलने को तैयार। यहाँ खालिक भी आ गया। खालिक रेडी रेडी टू गो रेडी टू गो। तो भाई पूरा रेडी मेडी हो गए निकलने के लिए हर चीज़ रेडी लगेज भी गाड़ी में रख लिया पूरे ऊपर से लेके टिप काट हो गए अपन जूते वूते भी पहन लिए फोड़ देंगे भाई। रहमान रहीम शुरू करते हैं सफ़र। सब सेट कर लिया अब हम लोग बस रेडी हैं जाने के लिए तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और आप सबकी दुआ की दरख्वास्त है। तो भाई अभी बस फ्यूल टैंक बस तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं उसके बाद निकलते हैं। अभी झालुकबारी तक नहीं पहुंचे उसके बाद फिर झालुकबारी के बाद हाईवे पकड़कर हम लोग की आज की जर्नी है सिलीगुड़ी तक जो कि 480 किलोमीटर है। तो यहाँ से सिलीगुड़ी है 480 किलोमीटर तो हम लोग आज रात तक ये सफ़र तय कर लेंगे। अभी है हम लोग गुवाहाटी में ही हैं झालुकबारी पहुँचने वाले हैं अभी बस पेट्रोल डलवा रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ आपको लेके चलते हैं आज सिलीगुड़ी। क्या खा ले कुछ ऐसा सिलीगुड़ी ओए बाहर निकल साले पीछे आराम से बैठा हुआ है ना तू। वेलकम टू हिमालय क्या है जा तीन दीवाने चले जिंदगी बनाने तो भाई अभी बस हम लोग पाठशाला क्रॉस करा अभी अब सिलीगुड़ी यहाँ से 350 किलोमीटर है शायद तो अभी कम से कम हम लोगों को 8-9 घंटे लगेंगे और अपन बीच में फ़ोटोज़ वीडियोस खींचते हुए जाएंगे तो हम लोग को 9.5-10 घंटे लगेंगे। भाई ब्लॉगर बन चुका हूँ ना अब तो इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा तो बस 10 घंटे का सफ़र हो रहा है उसके बाद सिलीगुड़ी में हॉल्ट लेंगे फिर कल देखते हैं सिलीगुड़ी से कहाँ जाएँगे। सिलीगुड़ी से कल का प्लान है मुजफ्फरपुर या फिर गोरखपुर तक जाएंगे सेकंड डे तो बस ऐसे ही अपना सफ़र चलता रहेगा और आपको भी घुमाते रहेंगे खुद भी घूमेंगे ठीक है।
सो गाइस जस्ट अभी हम लोग आसाम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं. अभी जस्ट वेस्ट बंगाल बॉर्डर अभी घुसे ना. जस्ट नाउ अभी हम लोग अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:15. हम लोग कितने बजे निकले थे सुबह, कितने बजे निकले थे? 10 बजे गए थे शायद. टाइम तो लग गया फिर बहुत ज़्यादा, शाम भी हो गई. बस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करा, आसाम बॉर्डर गया भाई. अब हम लोग हैं, ये मिट्टी देख रहे हो, ये है वेस्ट बंगाल की मिट्टी, ये ज़मीन है भैया वेस्ट बंगाल की. हम लोग घुस गए वेस्ट बंगाल में. तो अभी आएगा अलीपुर द्वार, उसके बाद अलीपुर द्वार कम से कम इधर से 40 किलोमीटर होगा मे बी. उसके बाद हम लोग को आज, हम लोग का डेस्टिनेशन है आज सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी अभी यहाँ से 180 किलोमीटर है मे बी. सो देखते हैं कितना टाइम लगता है. शाम के हो गए हैं 5:15. तो बस चलते हैं अब. चाय पी लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं अपने माइंड को. 200-300 किलोमीटर से चला ही रहे हैं रेगुलर. चाय पीकर पूरी रिफ्रेशमेंट मिल जाती है. क्या खा ले? आसमान देख रहे हो, बहुत खूबसूरत सी शाम है. यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, इंसान जब घूमने जाता है तो एंजॉय करने जाता है या फिर गर्लफ्रेंड से बात करने जाता है? ये इंसान लगातार 3 घंटे से पीछे बैठ के लड़की से बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है. ये दूसरी वाली है, पहली वाली? पहली वाली. पहली वाली, इससे पहले दूसरी वाली से बात कर रहा था. क्या होगा इस जनरेशन का भाई, क्या होगा भाई. बस अभी हम लोग हैं अलीपुर द्वार के अंदर और ठंड है थोड़ी सी, 15 डिग्री सेल्सियस है. यहाँ से अभी 150 किलोमीटर्स दूर है सिलीगुड़ी. तो सिलीगुड़ी में आज स्टे है, वहाँ रहेंगे. फिर कल सुबह मॉर्निंग 5 बजे तक हम लोग निकलेंगे मुजफ्फरपुर के लिए. तो बस आराम से जा रहे हैं, खाते पीते, कोई टेंशन नहीं है. अभी रिफ्यूलिंग भी करवा ली. बस लोकल चिकन रोटी, पेट पूजा फिर काम दूजा. सही मिष्टी दोई का मजा अलग रहा. चाय मिष्टी दोई, बंगाल में आते से मिष्टी दोई का मजा. गाइस इस रोड के दोनों तरफ चाय के बगान हैं. मुझे तो दिख रहा है लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पा रहा बिकॉज रात का टाइम है ना, तो वीडियो में दिख नहीं पा रहा. और पहुंच गए सिलीगुड़ी. पहुंच गए सिलीगुड़ी ऐसे है ना. हाँ पहुंच गए सिलीगुड़ी. बस अभी यहाँ करेंगे रेस्ट, अभी होटल ढूंढ रहा है, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं, फिर कल सुबह निकलेंगे. सो जस्ट अभी होटल मिल गया हम लोगों को सिलीगुड़ी में. तो अभी बस सामान लेके ऊपर जा रहा हूँ. होटल तो एक तो मिल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किलों से मिला है. अब सिलीगुड़ी के सिटी के पास ही है, 1/2 किलोमीटर अंदर है. तो बस अब रात गुजारते हैं यहाँ पर आराम से, फिर सुबह 5-6 बजे निकलेंगे बिहार के लिए.
सो अभी रूम में जाकर आराम करते हैं, थक गए यार आज सुबह 10 बजे के निकले हुए। यही ले आया पूरा, कौन बार बार सामान लेते हुए आएगा। क्या खाली उतार कपड़ा वपड़ा हो गया काम। तो बिरयानी खाएंगे अब। A few moments later. So guys, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए और अब सोएंगे। So this is शाज़ खान, good night, शब बख़ैर, शुभ रात्रि।